अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रियाज अहमद, न्यूज़ 7 तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। आजकल जहां रियासत भर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और तमाम ही सियासी कायदीन व कारकुनान अपना तमाम तय वक्त इंतखाबी मुहिम में सर्फ कर रहे हैं, ऐसे में हल्के असम्बली महबूब नगर के BSP उम्मीदवार सैयद इब्राहिम ने अपनी इंतखाबी मुहिम को छोड़कर सड़क हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अपनी जाती कार में दवाखाना ले जाकर इलाज करवाते हुए इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल कायम की है। तफसीलात के मुताबिक रामपुर से महबूब नगर आने वाला एक ऑटो मोहल्ला टीडी गुट्टा में फायर स्टेशन के करीब मुखालिफ सिम्त से आ रहे दूसरे ऑटो को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त BSP उम्मीदवार सैयद इब्राहिम इस इलाके में अपना इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, ताहम जख्मियों को देखकर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम छोड़ दी और अपनी जाती कार में जख्मियों को दवाखाना ले गए और इनका इलाज करवाया। मुकामी अवाम ने सैयद इब्राहिम के इस इकदाम को काबिल तहसीन करार देते हुए इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल करार दिया।